हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। टुडे इज 23rd of June 2023। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, इट्स अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, जो एक की कंपोनेंट है हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। और उसका मैं एक रियल टाइम एग्जांपल अभी दूंगा अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी जो हुआ मेरे साथ इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट विच इज़ सेल टू मी बाय HDFC बैंक, जो कि था HDFC क्रेडिट कार्ड का। ये 2019 में HDFC बैंक गेव मी अ क्रेडिट कार्ड विच उसका लिमिट इज़ अबाउट 20,000। और उसका जो सबसे बड़ा लैग था अबाउट द प्रोडक्ट जो मुझे मिला, उसमें मुझे बड़ा रियलाइज़ कि जो फाइनेंशियल कंटेंट था ऑफ दैट एक्टिविटी का, दैट इज़ वेरी लेस अवेयर्ड अबाउट द फैक्ट्स और द फीचर ऑफ दैट स्पेसिफिक अकाउंट। तो जिसका कॉन्सिक्वेंस भी मैं कह सकता हूँ, बट उसको मैं पॉजिटिव लेके आई एम टेकिंग इट एज अ एजुकेशनल और लर्निंग कॉस्ट। टुडे आई पेड 39,310 प्लस जो प्रीवियसली आई पेड टू देम ऑन द कार्ड विच हैज़ अ लिमिट ऑफ 20,000। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जिससे मेरा 501 मेरा क्रेडिट स्कोर है अभी, वो इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड, बट आई पेड मल्टीपल टाइम। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आई टुक अ लोन फ्रॉम HDFC बैंक इट्सेल्फ विच इज़ ऑफ 4 लाख रुपीज़ थ्रू अ लिस्टनर डेटा टेक्नोलॉजीज़ के रूट से, जो उन्होंने एक प्रोसेस किया था। तो इसमें इफ़ यू हैव अ गुड फाइनेंशियल लिटरेसी, तो दीज कॉस्ट विल बी लेस इन कंटेक्स्ट ऑफ अ रीपेमेंट अगर वो है। तो उसके लिए यू नीड अ स्टार्टअप लाइक लिस्टनर HDFC टेक्नोलॉजीज विच कैन हेल्प अ कस्टमर इन अ बेटर वे उस चीज़ से रेज करने के लिए। तो कुछ दिनों बाद आफ्टर 45 डेज माई स्कोर विल बी अपग्रेडेड, और धीरे धीरे इट विल गो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। देन आई विल बिकम एलिजिबल फॉर टेकिंग अ बिगर और बेटर लोन्स थ्रू दिस क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूट से, विच इज़ यूज्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल क्रेडिट हेल्थ ऑफ एनी इंडिविजुअल और ऑफ एनी एंटिटी। एंटिटी की केस में GMR इज़ यूज्ड, बट इंडिविजुअल की केस में सिविल रेटिंग इज़ यूज विच इज़ 300 to 900। और दीज आर द रिसिप्ट्स, और उसमें मुझे दे गेव मी अ लेटर टू जिसमें दे मैंशनड डियर विनीत जी, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट केस काइंडली एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ 39,310 फ्रॉम अ कस्टमर अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड 489377240109 AAN 10145500160437033। काइंडली नोट द वंस द कस्टमर मेक द पेमेंट ऑफ अ करंट बैलेंस इन वन शॉट, कस्टमर विल गेट अ NDC नॉन ड्यू सर्टिफिकेट एज पर द टैट बिल कंपाउंड ID HDFC JF कार्ड बिन 101455 बिन डिस्क्रिप्शन वीज़ा प्लेट मनी बैक कार्ड इंटेल थैंक्स एंड रिगार्ड शिवम सोनी क्लासिफिकेशन इंटरनल। तो ये है, इसके बाद दे विल गिव मी अ नॉन ड्यू क्लोजर सर्टिफिकेट जो 2nd of July को मेरे पास आएगा फॉर दिस। तो इसमें ये व्लॉग शूट करने का सेम वही इंटेंशन, इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिटरेसी का जो कंटेंट है उसको बेटर करना अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, अपने कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपकमिंग टाइम्स में एंटरप्रेन्योरशिप को अपना करियर देख रहे हैं। बहुत लुक्रेटिव करियर है एंटरप्रेन्योरशिप, और जिसका एक रियल टाइम एग्जांपल लिसनर भी है। ये बहुत सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो लिसनर की एक्सटेंशन ऑफ वर्क के लिए है, जो लिसनर आने वाले टाइम पे करने वाला है। तो आई एम वेरी मच होपफुल फॉर द अपकमिंग टाइम्स, क्योंकि मुझे लगता है
एज अ फाउंडर ऑफ लिस्टनर एस डी टेक्नोलॉजी एंड अ हाइब्रिड वर्जन इज लिस्टनर सुप्रीम सॉल्यूशंस। फाइनेंशियल लिटरेसी पे और फिनटेक पे, पीयर टू पीयर लैंडिंग पे, स्टार्टअप्स पे बहुत बड़े गैप्स हैं जिसपे इंडिया एज अ होल अभी काम नहीं हो रहा, और हिमाचल तो अभी काफ़ी पीछे है एंटरप्रेन्योरशिप के कंटेक्स्ट में। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और प्लीज़ काइंडली इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स में जो इस तरह के सिविल रिलेटेड केसेस पे लर्निंग चाहते हैं, और शेयर योर कमेंट्स, योर एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ सेम काइंड ऑफ अ थिंग्स जैसे मेरा केस था। All thanks to listener SD Technologies. We are out of this situation, or I'm hopeful for you for the upcoming times.